कोरोना काल में जहां हर व्यक्ति के जहन में डर का माहौल पैदा हो गया है, कई लोग ने इस कोरोना काल में अपनों को खो दिया है, जिसके चलते कोरोना से बचाव के लिए लोग कई तरह की सावधानियां रख रहे हैं और प्रशासन भी लगातार योजनाएं बना रहा है। वहीं कोरोना काल में सेवाएं देने के दौरान कई लोगों की कोरोना से ग्रसित होकर मृत्यु तक हो गई है। अब ऐसे ही अपनी जान जोखिम में डालकर स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले इंदौर जिले के कोविड-19 स्टाफ विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर आ चुका है। स्टाफ का कहना है कि यदि मेरी मांगे नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं। दरअसल कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर निरंतर सेवा देने वाला कोविड-19 स्टाफ अपने सिविलियन को लेकर प्रदर्शन पर उतर आया है, जिसके चलते स्टाफ का कहना है कि कहीं हमारे निरंतर सेवाएं दी हैं उसके बावजूद भी हमें निकाला जा रहा है। उसी के चलते हमने इंदौर स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री को भी लिखित में ज्ञापन दे चुके हैं, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। अभी आदेश पारित किया गया था 25 नवंबर को कि जितने भी कार्यरत फार्मासिस्ट, नर्सिंग स्टाफ, लैब टेक्नीशियन है उनमें बहुत छटनी कर दी गई है। हम लोगों को निकाल दिया गया, फार्मासिस्ट का एक पद कर दिया गया जिले में और लैब टेक्नीशियनों को भी निकाल दिया गया है, नर्सिंग स्टाफ को भी कम कर दिया गया है। लेकिन कोविड के अंतर्गत मरीज बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, परंतु इन्होंने संख्या कम कर दी है, उसके विरोध में हम धरना दे रहे हैं और हड़ताल कर रहे हैं। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं करी गई तो हम भोपाल जाएंगे और हमारे जो समर्थन कर रहे हैं वहाँ पर कोविड संगठन कर्मचारी, उनका सपोर्ट करेंगे वहाँ पर। कितने लोग हैं? हमारे कम से कम यहाँ पर 350 लोग हैं। और कहाँ का ज्ञापन दे चुके हैं? सभी विभागों में दे चुके हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय, फार्मेसी काउंसिल, नर्सिंग काउंसिल और मामा जी को भी दे दिया है, हमारे मुख्यमंत्री जी को, स्वास्थ्य मंत्री जी को, हमने CMHO में भी ज्ञापन दे चुके हैं। फार्मासिस्ट के पद यहाँ 2 कर दिए, जबकि डोर टू डोर जाके मेडिसिन का डिस्पेंसिंग हो रहा है। फार्मेसी एक 1948 की धारा 42 के अंतर्गत कोई भी मेडिसिन की डिस्पेंसिंग नहीं कर सकता सिवाय फार्मासिस्ट के, लेकिन फार्मासिस्ट का कोविड में एक ही पद कर दिया। तो हमारी मांग ये है कि जितने भी फार्मासिस्ट है सबको वापस से ड्यूटी पे लगाया जाए और हमारा कार्यकाल बढ़ाया जाए। लेकिन कोरोना काल तो अभी चल रहा है जी, आप अभी बीच में ही आप इस तरह से मांग रख रहे हैं तो अभी सर शासन ने हमारी छटनी कर दी गई है, जितने कोरोना के मरीज है उस हिसाब से अभी और कम कर दिया गया है स्टाफ। तो हमारी मांग ये है कि जितना स्टाफ था उतना वापस रखिए और जब तक कोरोना है तब तक हमें। आपका नाम? अनिल बच्चन, फार्मासिस्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, कैनन न्यूज़।